आज का हमारा टॉपिक है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एंड अकाउंट्स इन लिक्विडेशन में लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है पिछले वीडियोस में कि कंपनी का समापन ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है या फिर ऐच्छिक समापन भी किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में हमें लिक्विडेटर यानी निस्तारक की नियुक्ति की जाती है। समापन आदेश के बाद वह कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी होता है। समापन का आदेश जारी होने के बाद वह कंपनी की समस्त संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेता है एवं उसको बेचकर कंपनी के ऋणों एवं पूंजी का भुगतान करता है। यानी सारी संपत्तियों को, सारी असेट्स को वो सेल आउट करेगा, सोल्ड आउट करके जो भी पैसा मिलेगा उससे वो सारी जो आउटसोर्ड लाइबिलिटीज़ हैं और जो कैपिटल है उसको पेमेंट करने का काम करेगा। यदि कंपनी का समापन ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है तो उसकी नियुक्ति भी ट्रिब्यूनल द्वारा ही की जाती है। निस्तारक की यह ड्यूटी है कि वह अपने प्राप्ति तथा भुगतानों का पूरा विवरण रखे और प्रत्येक 6 माह के अंत में अपने हिसाब का विवरण बनाकर ट्रिब्यूनल में पेश करे। जब कंपनी की समस्त संपत्तियां वसूल की जाती हैं और उसके समस्त दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है तो निस्तारक ट्रिब्यूनल को अंतिम हिसाब का विवरण बनाकर प्रस्तुत करता है। इसे निस्तारक का अंतिम हिसाब विवरण यानी लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते हैं, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि कंपनी का ऐच्छिक समापन किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति अंशधारियों द्वारा की जाती है, अतः वह अपने हिसाब का अंतिम विवरण कंपनी को प्रस्तुत करता है जिसमें संपत्तियों से प्राप्ति व दायित्वों के भुगतान का विवरण लिखा जाता है। निस्तारक द्वारा दोनों ही परिस्थितियों में प्रस्तुत किए गए अंतिम हिसाब का जो विवरण है, जो प्रारूप है, वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है। फॉर्म नंबर 156 का नाम होता है, इसमें कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। इसके डेबिट साइड में हम दिखाएंगे सारी रिसिप्ट्स और क्रेडिट में हम दिखाएंगे इसमें सारे पेमेंट्स। रिसिप्ट में सारी संपत्तियां आ जाएंगी, उन संपत्तियों का अपन निकाल देंगे एस्टिमेटेड वैल्यू और उनका वसूली मूल्य रियलाइज्ड वैल्यू, कितना पैसा उनको हमसे वसूल हो जाएगा। इसमें हम सभी समस्त संपत्तियों को शामिल करेंगे। इसके अलावा जो अनपेड कॉस्ट से पैसा मिलने की संभावना है वो भी हम डेबिट साइड ही शामिल करके दिखाएंगे। और फुली सिक्योर्ड जो लाइबिलिटीज़ हैं उनसे यदि कोई सरप्लस बच जाता है तो सरप्लस भी हमको डेबिट में ही जोड़ के दिखाना है। इसके अलावा यदि कॉन्ट्रीब्यूटरी से कोई पैसा मिल रहा है या अदर ट्रेडिंग कोई रिसिप्ट्स है हमारी, तो वो भी हम डेबिट साइड में ही शो करेंगे। तो इस तरह से हमारी टोटल अमाउंट निकल जाएगी जो पैसा हमने इकट्ठा किया है। क्रेडिट में हम दिखाएंगे जिस तरीके से हमें इनको पेमेंट करना है। पेमेंट करने का ऑर्डर में सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं लीगल चार्जेस, उसके बाद लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद डिबेंचर होल्डर जिन्हें फ्लोटिंग चार्ज है, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर्स और सबसे लास्ट में पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो हमारे प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह जो भी हमारी है। तो ये हमारा ऑर्डर होता है पेमेंट करने का जिसको हम शो करेंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट में। तो सर डिटेल में हम देखें तो डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम जो आता है वो सबसे पहले हम दिखाते हैं संपत्तियों को बेचने से वसूली मूल्य। जो भी संपत्तियां निस्तारक ने अपने कब्जे में ली है उन सबको वो मार्केट में बेच देगा और जो भी उसे पैसा मिला है उसे उसको डेबिट में शो करके दिखाएगा। जो कैश या बैंक शेष पहले से ही है उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास जो असेट्स हैं उनको बेचकर उनको पेमेंट करने के बाद जो राशि बचती है वो राशि भी हम डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। इसके अलावा रिसिप्ट्स ऑफ अनपेड कॉल, कुछ पैसा यदि अनपेड है किसी इक्विटी शेयर्स पे वो पैसा या प्रेफरेंस शेयर्स पे उसको भी हम जो पैसा मिलने की संभावना है या जो पैसा हमें मिल रहा है वो भी डेबिट साइड में ही दिखाया जाएगा। इसके अलावा कोई अंश यदि हमारे पार्टली पेड अप हैं या कोई कॉन्ट्रीब्यूटरीज लिस्ट ए बी से हम कुछ पैसा वसूल होने की संभावना है तो वो भी हम डेबिट साइड में ही शो करके दिखाएंगे। कोई दोषी संचालक या अधिकारी है जिसने कोई गलत तरीके से पैसा ले लिया था या उससे कोई पैसा वसूल होने की संभावना है तो वो भी हम इस वसूली राशि में ही जोड़ के दिखाएंगे डेबिट साइड। भुगतान में सबसे पहले भुगतान किया जाएगा लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी व्यय। यदि कंपनी अपने समापन की अवधि में अन्य कंपनी पर कोई दावा करना पड़ता है या उसके ऊपर किए गए दावे से अपना बचाव करना होता है तो इस संबंध में जो कानूनी व्यय किए जाते हैं उसको हम कानूनी व्यय कहते हैं। ये खर्चे का भुगतान सबसे पहले निस्तारक को करना होता है। इसके बाद निस्तारक का पारिश्रमिक जो बेस होता है हमारा ऑन असेस लाइज पर और ऑन पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर। कमीशन निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि
वसूली जो कमीशन होगा वसूली मूल्य पर, उसमें हमें लैंग्वेज देखनी होगी कि जो लैंग्वेज बेस करेगा कि हमें किस राशि पर निकालना है। सामान्यतः संपत्तियों में वसूल की गई राशि पर जो प्रतिशत कमीशन का दे रखा है, जो परसेंटेज हमको दे रखी है, उसमें हमने डेबिट साइड जो भी प्राप्ति पक्ष में राशि हमको मिली है वो प्लस जो लेनदारों से हमको सरप्लस राशि मिली है उसको जोड़कर उस पर हमको कमीशन निकालना होता है। जब तक कि प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना नहीं हो, हम लेनदारों से जो भी एक्सेस पैसा मिलेगा उसको शामिल करते ही कमीशन निकालेंगे ऑन असेट्स रियलाइज्ड पर। पर कभी कभी निस्तारक को ये जिम्मेदारी होती है कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की संपत्ति को भी वही बेचकर उन्हें भुगतान करेगा। यदि ऐसी स्थिति है तो उस संपत्ति की संपूर्ण वसूली मूल्य पर उसे कमीशन दिया जाएगा। कमीशन निकालने के लिए कैश शामिल करना है कि नहीं करना है, इसमें हमें लैंग्वेज देखनी होगी। यदि कमीशन संपत्तियों की वसूली पर दिया गया है तो कैश शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि कमीशन धनराशि की वसूली यानी अमाउंट रियलाइज पर दिया हुआ है तो फिर कैश भी हमारा कमीशन निकालने के लिए शामिल किया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है लिक्विडेटर रिमिशन ऑन असेट्स रियलाइज पर निकालते समय। असुरक्षित लेनदारों को भुगतान पर की गई रकम का कमीशन। निस्तारक द्वारा असुरक्षित लेनदारों को भुगतान की गई राशि पर कमीशन दी गई प्रतिशत के आधार पर ही निकाला जाता है। इस संबंध में यह प्रश्न है कि क्या पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान की गई राशि को कमीशन गणना में शामिल करना है कि या नहीं। तो जब तक कि कोई स्पष्ट सूचना नहीं हो तब तक हम इसे असुरक्षित लेनदार ही मानते हैं और इन्हें भी शामिल करके उस पर कमीशन ज्ञात करना है। यानी जब हम कमीशन निकालेंगे ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर्स तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अदर रिमेनिंग अनसिक्योर क्रेडिटर्स दोनों राशि को जोड़कर हमें उस पर कमीशन निकालना है। पर यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, यदि अनसिक्योर क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है तो फिर कमीशन निकालने के लिए हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि शेष राशि में से ही हमें कमीशन देना है और शेष राशि में से ही हमें रिमेनिंग भुगतान करना है। तो यदि अनसिक्योर क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है तो कमीशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जितनी भी राशि हमारी बची हुई है मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इससे हमारी वो राशि निकल जाएगी कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स और रिमेनिंग जो पैसा होगा वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को मिल जाएगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का भी भुगतान किया जाएगा इसके पश्चात। उसके बाद पेमेंट होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय देखा था कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। उसके बाद लिस्ट डी में जो हमने शामिल किए थे क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उनको भुगतान किया जाएगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भुगतान किया जाएगा, यानी भुगतान का ऑर्डर हमारा वही रहेगा कमीशन और लीगल एक्सपेंसेस के अलावा जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर दिखाया था। इसके पश्चात यदि पैसा बच जाता है तो प्रेफरेंशियल कैपिटल और उनके एरियर ऑफ डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। उसके पश्चात यदि राशि बच जाती है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल को उन्हें लौटा दी जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल को पैसा किस तरह से लौटाया जाएगा इसमें ध्यान रखना है कि जैसे कुछ राशि ने हमको यदि कॉस्ट इन एडवांस के रूप में पैसा दे रखा है तो पहले हम एडवांस राशि का भुगतान करेंगे, एडवांस राशि को चुकाने के बाद फिर बची हुई राशि सारे इक्विटी होल्डर के अंदर इक्वली बांट दी जाएगी। यदि कोई सरप्लस बच जाता है तो वो सरप्लस भी इक्विटी शेयर होल्डर को इक्वली उनके अंशधारियों के अंदर बांट दिया जाएगा। पर यदि प्रेफरेंशियल हमारे पार्टिसिपेटिंग है तो इस सरप्लस में से फिर प्रेफरेंशियल होल्डर्स को भी हिस्सा दिया जाएगा। तो ये हमारा तरीका है लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट बनाने का। अगले वीडियो में मैं बताऊँगी क्वेश्चन लेकर कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है।